हैंड्स फॉर ह्यूमैनिटी। इस मुश्किल वक्त में दिल्ली वालों तक दिल्ली वालों की बात पहुंचाने की बिग एफएम की एक कोशिश। हेलो एंड वेलकम, नमस्कार, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। मेरा नाम है सिद्धू एंड गाइस, आपको बहुत अच्छे से बताया हैंड्स फॉर ह्यूमैनिटी। हमारे इस कैंपेन के तहत हम आप तक कुछ ऐसी कहानियां लेकर आ रहे हैं, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स की जो इस वक्त पे वाकई कुछ ऐसा काम कर रहे हैं विच इज एक्चुअली मेकिंग अ डिफरेंस, जो लोगों की जिंदगियां बचा रहा है। एक ऐसा ही नाम है मिस्टर रंजीत फ्रॉम एनीथिंग विल डू। लेट्स वेलकम मिस्टर चरणजीत। हाय चरणजीत, हाउ आर यू? चिल्ड्रन, आई एम वेरी वेरी गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई एम एक्साइटेड टू बी हियर ऑन बिग एफएम। आप काम ही इतना अच्छा कर रहे हैं कि एक बार फिर से आपको यहाँ पर लाना बहुत जरूरी था। मुझे ये बताएं चरणजीत, पहले तो थोड़ा सा उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यूशन किया है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अपने इस इनिशिएटिव के बारे में सबसे पहले तो बताएं कि आप एग्जैक्टली करते क्या हैं और अभी क्या कर रहे हैं, उसके बारे में मैं बात पूछती हूँ। एनीथिंग विल डू व्हिच इज आल्सो नोन एज AWDORG फाउंडेशन, एक संस्था है जो हमने करीब 2 साल पहले शुरू की थी। सीजन 1 में हम लोगों ने काफी लोगों को ड्राई राशन और एक्चुअली फ्री मिल्क और स्टे डॉग और एनिमल्स पे काम किया। एंड इस सीजन में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ICU beds विद वेंटिलेटर्स, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और मेडिसिन और फूड मिल सके, ऑल्सो एम्बुलेंस। क्या बात है। अब हम घर बैठे सब लोग ये सोच रहे हैं, जो लोग इस वक्त लॉकडाउन में, कि हम घर बैठे क्या कर सकते हैं, हाउ कैन आई मेक अ डिफरेंस। लेट मी टेल यू, ये जो इनिशिएटिव है ना चरणजीत का, इस इनिशिएटिव में आप किस तरह से मदद कर सकते हैं, ये एग्जैक्टली इन्होंने क्यों शुरू किया और कहां तक इनकी ये कहानी अभी पहुंची है, इस बारे में हम बात करेंगे। भाई ये एक ऐसी एडिशन है, ऐसी संस्था है जिन्होंने पिछले साल लॉकडाउन के दौरान लोगों के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की और इस साल भी कुछ वाकई अलग कर रहे हैं, चाहे वो ICU बेड की जरूरत हो, चाहे वो ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करना हो, हर चीज। चरणजीत इस वक्त मेरे साथ है, एक बार फिर से आपका स्वागत है चरणजीत। तो मैं पूछना चाहूंगी कि ये आपने कब शुरू किया, क्यों शुरू किया? आपकी बेटी इतनी छोटी है, आपके घर में भी फैमिली मेंबर्स हैं, सो व्हाई डिड यू थिंक कि मुझे ये इस वक्त पे करना चाहिए? सिमरन, मैंने जब बड़ा हो रहा था तो मैंने सुना था कि चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। मुझे ऐसा लगता है कि चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। आप घर का तो बहुत देर बाद आता है, सबसे पहले आपको अपनी अंतरात्मा को तैयार करना चाहिए कि हाँ मैं चैरिटी के लिए तैयार हूँ। अब चैरिटी किसी भी तरह की हो सकती है। एनीथिंग विल डू, जो हमने संस्था खोली, इसके नाम से ही जाहिर है कि एनीथिंग विल डू। आप जो आप कर सकते हैं वो आप बताइए, जो हम कर पाएंगे आपसे, आपके साथ मिलकर, वो एक अलग ही शेप लेगा। बिल्कुल, एनीथिंग विल डू ऐसे लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है जो ना सिर्फ फील्ड में रहकर या घर पर बैठकर लोग हर तरह से उसको सपोर्ट कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट। तो करीब 2.5 साल पहले व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस इनिशियली, मैंने अपनी पॉकेट मनी, आपने जो भी बिजनेस करते हैं आप, उसी में से जो पैसे बचा सकता था वो बचाकर मैंने थोड़ा थोड़ा करके लोगों की हेल्प करनी शुरू की। एंड उसके बाद जब मार्च में मुझे 25-26 तारीख को मुझे सबसे पहला डिस्ट्रेस कॉल आया, तो हम लोगों ने जब उसकी उस कॉलर की मदद करी, उसके बाद आई स्टार्टेड टेलिंग दिस टू माय फ्रेंड, एवरीबॉडी स्टार्टेड कमिंग फॉरवर्ड। आज करीब 256 लोगों का ये नेटवर्क बन गया है और दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं। वी आर इवन लाइव टिल 4 AM इन द मॉर्निंग एंड वी आर अप बाय 6:37। आज मैं 6:30 बजे से हम लोग लगे हुए हैं कि किसी को किसी तरह की मदद हो सके। तो अभी इन दिनों में आपने ये शुरुआत कब की और किस तरह से की? व्हाट एग्जैक्टली आर यू अरेंजिंग? लोग कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं घर पे? आप घर पे बैठ के हम लोगों की मदद कई तरह से कर सकते हैं। पहली मदद आप कर सकते हैं कि आप जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है मोबाइल पे, उसको वैलिडेट करके आप हम तक पहुंचाइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9811301101। इस तरह से आप कम से कम एक जो जरूरतमंद इंसान है उसकी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा, आप एक वैलिडेटर बन सकते हैं घर पे बैठ के। अगर आप काम करना चाहते हैं, सोशल वर्क करना चाहते हैं, व्हाई डोंट यू कम फॉरवर्ड एंड स्टार्ट वैलिडेटिंग द लीड्स विच आर कमिंग, स्टार्ट वैलिडेटिंग द केसेस विच आर कमिंग। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा आपको कि कल मुझे एक
फॉरवर्डर आया, किसी को आईसीयू बेड चाहिए था, तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली वर्किंग ऑन इट हम लोग सबसे पहले उसको वैलिडेट करते हैं. तो जब मैंने उनको कॉल किया तो मुझे पता लगा कि वो अब स्टेबल हैं. वो लीड जो है वो 3 दिन पुरानी थी, अब वो बेटर अच्छा फील कर रहे हैं. ही इज ऑलरेडी इन द हॉस्पिटल एंड ही इज ओके वेरी वेल टेकन केयर. यू नो द पेशेंट्स ऑक्सीजन इज राइट नाउ 94. तो कहने का मतलब करेक्ट. ये है कि अगर हम 1 मिनट अगर लगाएं, अगर हम सच में कुछ करना चाहते हैं, अगर हम उस इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करके आगे तक दे दें, तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी सबकी. वंडरफुल वंडरफुल, बिल्कुल सही. और किस तरह से लोग जुड़ सकते हैं ये भी आपने बताया, लेकिन आपने मुझे एक चीज बताई थी कि आप किस तरह से उस हॉस्पिटल में गए जहाँ पे आपकी बेटी पैदा हुई थी, एंड यू स्टार्टेड दिस होल प्रोसेस. बात करेंगे इस बारे में भी, प्लीज चरणजीत मेरे साथ बने रहिए. इस साल भी आपने मुझे कुछ दिन पहले फोन किया, आपने मुझे बताया कि किस तरह से आप अपनी आपकी बेटी जिस हॉस्पिटल में पैदा हुई थी आप उनके पास गए और आपने ये बीड़ा उठाया कि अब मुझे लोगों की मदद एक बार फिर से पूरी तरह से करनी है. सो व्हाट एग्जैक्टली यू डिड, सबसे पहला पॉइंट क्या था, क्या किया आपने? तो सिमरन कुछ ऐसा हो रहा है हम लोगों के साथ. आई एम श्योर जो जो भी लोग अभी सोशल वर्क में या मेडिकल फ्रंट पे जो काम कर रहे हैं, उनको एक चीज की कमी महसूस हो रही है, वो है आईसीयू बेड्स की, वो है वेंटिलेटर्स की. तो इसके चलते मैंने आई गॉट इन टच विद मेडिचेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन फरीदाबाद. आई अप्रोच दी ओनर्स एंड आई रिक्वेस्टेड देम कि क्यों ना हम जो आपकी एक नई पड़ी हुई एक इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है, जो ब्रांड न्यू है, जो अभी इस्तेमाल नहीं हुई है, हम उसको क्यों ना कन्वर्ट करें उसको एक कोविड सेंटर बनाने में, जिसमें करीब 8 कमरे हैं. तो आइडिया बहुत अच्छा लगा मैनेजमेंट को, उन्होंने इमिडिएटली हमें हाँ भरी. अब हमें जी तो अब आप कहने का मतलब ये है, सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि एक छोटी सी शुरुआत, आपको नहीं पता आपको कहाँ लेके जा सकती है. आज लोग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिचेक हॉस्पिटल को ना सिर्फ कन्वर्ट कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोग आगे निकल के आ रहे हैं जो छोटी छोटी मदद कर रहे हैं. कल मुझे एक वॉलंटियर ने 25 बेडशीट्स और यू नो कुशन्स दिए कि आपको उस हॉस्पिटल में जरूरत होगी. हाउ थॉटफुल इज दैट. मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, लेकिन हम आज की डेट में जो 250 लोग वॉलंटियर कर रहे हैं, हम लोग ज्यादा नहीं, अगर एवरेज अगर एक जान भी किसी की बच रही है, तो आप लगा के देखिए कि 250 जाने आप डेली बचा रहे हैं समवे और दी बिल्कुल. अदर. किसी को एम्बुलेंस टाइम पे मिल रही है, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर टाइम पे मिल गया, किसी को आईसीयू बेड मिल गया, किसी को वेंटिलेटर मिल गया, किसी को खाना मिल गया. अगर आप वॉलंटियर करना चाहते हैं और आप अगर एक स्टाफ नर्स हैं या मेडिकल फैसिलिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप प्लीज हमें लिखिए info@anythingwilldo.org पे, या कॉल करिए 9811300101. हम आपकी जितनी मदद बन पड़े वो करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो और टू स्प्रेड दिस वर्ड. हैंड्स फॉर ह्यूमैनिटी इस मुश्किल वक्त में दिल्ली वालों तक दिल्ली वालों की बात पहुंचाने की बिग एफएम की एक कोशिश.